समी और समीर दोनों भाई थे। वो हर साल छुट्टियों में नानी अम्मा के घर एक माह गुजारने आते। उन दोनों के आने से नानी अम्मा बेहद खुश हो जाती, मगर वो जब वक्त बेवक्त घर से बाहर निकल जाते तो नानी अम्मा बेहद परेशान हो जाती, क्योंकि नानी का घर जंगल के करीब था और वो दोनों जंगल का ही रुख करते थे। नानी अम्मा ने उन्हें सख्ती से बाहर जाने से मना किया। नानी अम्मा को ये डर लगा रहता कि कहीं कोई जंगली जानवर बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन समी और समीर नानी अम्मा की कोई बात ना सुनते। एक दिन वो नानी से छुप कर दोबारा घर से निकल गए। उनका रुख जंगल की तरफ था। जब वो दोनों जंगल के वस्त में पहुंचे तो उन्हें एक भालू आता दिखाई दिया। दोनों की घिग्गी बंद गई। दोनों की खौफ से बुरी हालत हो रही थी। उन्हें नानी अम्मा की नसीहतें याद आ रही थीं, मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। उन्हें नाफरमानी की सज़ा मिलनी थी। नानी अम्मा पड़ोस के लड़के के साथ जंगल में दोनों को तलाश कर रही थीं कि अचानक जंगल के वस्त में दोनों बेहोश पड़े नजर आए। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आ गया। उन्होंने नानी अम्मा से माफ़ी मांगी। उनकी हालत देखकर नानी अम्मा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया।